हुआ। क्या नाम है इस बच्ची का? रुपया जब ये बच्ची आई थी किस पोजीशन में आई थी? ना, बिल्कुल ही सूखी पड़ी थी, इसके हाथ और पैर कैसे थे? काम नहीं करते थे हाथ और पैर इसके। अच्छा, अभी बच्ची को खड़ा करके देखें जरा। चला चला, थोड़ा सा पैर से चला के दिखाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, पहले क्या पोजीशन थी इसकी? पहले तो बिल्कुल नहीं चलती थी, पहले बिल्कुल नहीं चल रही थी, नहीं सकती ना बैठ सक रही थी। हाँ, बिठाते तो गिर जाती। इसकी शादी में बिल्कुल सही थी। अच्छा, शादी में बारात वाले दिन हुआ ये, मना बारात गई है उस रात को इसको। अच्छा, आपने इसका डॉक्टरी इलाज भी कराया है ना? हाँ। कितने टाइम इलाज कराया? अभी तक चल रहा होगी। अच्छा, तो क्या डॉक्टरी के इलाज से क्या क्या फर्क, कुछ फर्क आ रहा था? खून चढ़वाया। खून चढ़वाया, नहीं क्या फर्क आ रहा था इसको? या वही पोजीशन थी? नहीं, साथ दोनों काम होते रहे, जैसे आपका इलाज भी चलता रहे। नहीं, तो जब हमारे पास आई थी जी, उस दौरान तो इसकी डॉक्टरी इलाज चल रहा था ना। जब आपके पास आई थी? हाँ। जब तो नहीं, कुछ नहीं, जब डॉक्टरी इलाज चल रहा था ना खाली। एक दिन सिर्फ हमने बिठाई में रखा, वहाँ भी इसे इंजेक्शन वगैरह कुछ नहीं, उन्होंने वैक्सीनेशन कुछ नहीं करा, फिर हम ले आए थे, फिर हमारे पास लिया जी। उसके बाद से हमारा सौदा खिलाया जी। अब तबीयत कैसी है बच्ची की? थोड़ी थोड़ी बोलती है। अच्छा, पहले पहले बोल भी नहीं रही थी ना? नहीं, बात करना बिल्कुल। सुभान जी सुभान, सुभान जी सुभान। कितना टाइम हो गया इस बच्ची को इलाज चलते हुए यहाँ से? यहाँ से इलाज चलते तकरीबन महीना हो गया, एक महीना। एक महीना नहीं, मेरे ख्याल से तीसरा हफ्ता है। महीना होने वाला नहीं, आप रुक गया था ना, आपका इलाज रुक गया था ना, आई ना आना रुक गया था। आप पिछले हफ्ते में आओ मेरे पास, और अभी आए, उससे पहले आपको इलाज अपना क्या नाम है? खैर, नक्श जब मंगाया था, हाँ, तकरीबन महीना होने वाला है। महीना होने वाला है, ये सरकार के करम फजल थे, सरकार की बैठक है, ये सरकार की बैठक का ये करम थे। बुखार नहीं उतर रहा था, मेन वजह थी बुखार। बुखार जब ये ताज पे ना, बुखार उतर गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, बुखार नहीं उतर रहा, रीड के डॉक्टर बोले पानी निकाले इसका। डॉक्टर क्या कह रहे थे? पानी निकाले इसका। अच्छा 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 अच्छा, हमने बोला नहीं निकालने देंगे हम, पहले तुम हमारे को छुट्टी दे दो। बुखार नहीं उतर रहा था, डॉक्टर ने बोला इसकी रीढ़ की हड्डी का पानी निकलेगा, फिर टेस्ट होगा, पता लगेगा क्यों नहीं उतर रहा बुखार। ये पहले नहीं उठ रही तो टाइम हो जाएगा इसको उठते उठते। हाँ, उस दौरान इसकी कैफियत ऐसी थी कि लेट ही पड़ी हुई थी, ना बोल रही थी ना चल रही थी, सदियों लग जाएगी इसको उठाने में। सही बात है। हाथ और पैर वैसे ही इसके जो है पैरालाइज हो चुके थे। पैरालाइज हो गए थे, रीढ़ की हड्डी का पानी निकल जाता तो ये बच्ची मुकम्मल तौर पर फिर ये बेड रेस्ट में आ जाती, इस वजह से।